सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 265वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पांचवें सूत्र तक पीछे देखा था दूसरे अधिकरण के। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ। ओम। पृष्ठ संख्या 1645 और 46 में यहाँ एक प्रकरण चल रहा है अपशूद्राधिकरणम, और इसकी सिद्धि के लिए सिद्धांती ने कुछ वाक्य उद्धृत किए थे। प्रथम बार जब वाक्य उद्धृत किया है 26वें सूत्र में, तो पूर्व पक्षी ने उसका खंडन किया है कि यहाँ शूद्र का निवर्तन नहीं किया है, और इसके बाद जब सिद्धांती ने पुनः एक और सूत्र में वाक्य उद्धृत किए हैं, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के ही वाक्य उद्धृत कर दिए हैं, जिसका खंडन भी दोबारा पूर्व पक्षी द्वारा पूर्ववत ही आया है। तो यहाँ इस प्रकार का प्रवाह क्यों देखा जा रहा है? इस प्रकार का सिद्धांति का प्रवाह एक ही प्रकार का प्रवाह। हाँ, ये बात ठीक है कि वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीत, यहाँ पर तीन वर्णों का कहा, चौथे का नहीं कहा। इसी तरह से 28वें सूत्र में जो बातें कही हैं वो भी तीन तीन की ही कही हैं। तो जब पहली बार तीन के लिए पूर्व पक्षी ने कहा कि चौथे का निषेध नहीं है यहाँ पर, तो बाकी के भी जो उदाहरण दिए उसमें भी चौथे का निषेध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी सहजता से कह ही सकता था। तो ये क्यों इन्होंने उद्धृत किए हैं, ये उदाहरण क्यों दिए हैं, ये इनका प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि प्रथम जो तीन थे, प्रथम वाला जो उदाहरण था वो आधान का था, और आधान में पूर्व पक्षी की बात को थोड़ा सा मान भी लिया जाए अभ्युपगम से थोड़ी देर के लिए कि शूद्र के आधान का निषेध नहीं किया गया और वो कभी भी कर सकता है। औरों के लिए तो ऋतु का वर्ण निमित्त दे दिया, वो दूसरे कभी भी कर सकते हैं, शूद्र कभी भी कर सकता है। तो यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो जब आधान हो गया और उसके बाद में कर्म का अधिकार उसको प्राप्त हो रहा है, तो कर्म पूरा ही उसे करना होगा, सांग ही करना होगा, कोई अंश किया कोई अंश नहीं किया ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन जब कुछ कर्मों को अन्य उदाहरणों में देखा कि वो कर्म किसको कब करने चाहिए कैसे करने चाहिए, ये उन तीन तीन का ही उल्लेख आ रहा है वहां पर भी, तो इससे पता लगता है ऐसा मान करके कि यदि आधान में चौथे शूद्र का भी ग्रहण न लिखा होते हुए भी वो स्वीकार कर रहे होते, तो कम से कम कर्म के अंगों को बताते हुए तो चारों चारों आने ही चाहिए थे। लेकिन चूंकि उन अंगों में भी चार चार का वर्णन नहीं आ रहा है, जहां विशेष रूप से तीन का कथन है वहां चौथे का वर्णन नहीं आ रहा है, इससे पता लगता है कि ये तो कर्म भी नहीं करेगा, कर्म में भी अंगों अंग भी उसके छूट रहे हैं। तो इससे बल्कि वो इसकी पुष्टि और करेगा कि इसका मतलब है कि आधान में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधान में नाम नहीं लिखा है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो थोड़ी संदिग्धता है। पूर्व पक्षी ने अपना हेतु एक ऊहा के रूप में, संभावना के रूप में कहा कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो मान सकते हैं यहाँ पर, वो कोई ऐसा सिद्ध पुष्ट बात नहीं थी। तो इसके लिए बाद के जो उदाहरण दिए गए उनको कहते हुए वो अपनी पहली बात की पुष्टि में सिद्धांती कह रहा है, इस तरह उसकी प्रवृत्ति देख सकते हैं। हाँ, अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1683 पर। तिरासी सूत्र संख्या 2 में, सूत्र में ही यह शब्द आया है यथा स्यात् सत्व दर्शनम, यहां दृष्टांत और दार्ष्टांत का साम्य किस प्रकार है ये समझना है। देखिए, एक अंश में तो साम्य है ही, वो साम्य क्या है यहां आप इन्हीं की पंक्तियों के अनुसार ही हम देखते हैं। तो तंत्रेण तो क्रियायाम भवति क्वचित संभवा, आगे देखिए, यथा स्यात् सत्व दर्शनम तथा भावो अभिभागे स्याति, तो सूत्र का अंश हुआ। यथा एकैकस्य सत्वस्य हस्तिनो अश्वस्य वा दर्शनम एकैकेन कृष्णम अभिनिर्वर्तते एवमेव सत्रे तंत्र भावो भवेत्।
सत्र में भी तंत्र भाव होगा, सर्वेशम मध्यकम द्रव्यम। तो सत्र में तंत्र भाव होगा यानी तो सबको कृष्ण फल मिलेगा इतने अंश में कि एक हाथी या घोड़ा खड़ा है तो सब जने उसको पूरा पूरा अपनी तरफ से देख रहे हैं, वो एक ही जगह खड़े हुए नहीं, चारों तरफ घूम के भी, और जो जो भी देखना है सबने, जो जो देखना है सबने देख लिया और स्वतंत्र स्वतंत्र हुआ, कृष्ण रूप से देखा और फल निरपेक्ष रूप से प्राप्त हुआ। ऐसे ही वहां पर भी जो फल मिलेगा वो कृष्ण रूप से और निरपेक्ष रूप से प्राप्त होगा, इतने अंश में यहां पर है। लेकिन ठीक है, यहां हम अगर दृष्टांत में देखें तो यह है कि एक कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें अनेक जनों के मिलने से वो हो रहा है, यानी अकेले से नहीं हो रहा है, सापेक्ष रूप से ही हो पा रहा है लेकिन फल निरपेक्ष रूप से मिल रहा है। यहां पर कर्म में तो सापेक्षता है नहीं, देखना रूप कर्म है वो भी निरपेक्ष रूप से हो रहा है, फल भी निरपेक्ष रूप से आ रहा है, तो निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष फल वहां तो कोई बात ही नहीं थी, सापेक्ष कर्म होते हुए निरपेक्ष फल मिल रहा है, इसके लिए कोई ऐसा उदाहरण होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन अगर यहां हम जोड़ना चाहते हैं तो इस तरह जोड़ सकते हैं कि यहां कर्म में भी हम सापेक्षता ला सकते हैं कि हाथी और घोड़े को देखना है या बैठना है, ऐसे कहो तो हाथी और घोड़े को मिल करके खरीदा है सबने, कईयों ने, तो उस दृष्टि से है तो सबका संयुक्त रूप से सबका प्रयत्न वहां पर, लेकिन जो फल की प्राप्ति हो रही है वो प्रत्येक को हो रही है, सब जने उस घोड़े का उपयोग कर रहे हैं या हाथी का उपयोग कर रहे हैं इत्यादि, ऐसा करें तो यहां पर हम संगति लगा सकते हैं, नहीं तो ये एक अंश में मान करके चलिए। हाँ हाँ आचार्य जी, इसमें जो अभी हम इसको फल के रूप में देख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ये फल के रूप में ना कह करके क्रिया के रूप में देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, यथा एकैकस्य सत्वस्य हस्तिनो अश्वस्य वा दर्शनम एकैकेन कृत्स्नम अभिनिर्वर्त्यते। मतलब जैसे एक एक व्यक्ति के द्वारा दर्शन क्रिया, किसी एक वस्तु की दर्शन क्रिया पूर्ण रूप से पूरी तरह से की जाती है और प्रत्येक का उसमें कर्तृत्व रहता है, उसी प्रकार से याग में अगर 16-17 व्यक्ति मिलकर के याग कर रहे हैं तो प्रत्येक का पूरा पूरा उसके प्रति कर्तृत्व है, इसलिए प्रत्येक को पूरा फल मिलेगा। और यहाँ विवरण में जो महाभाष्य का एक जो चार पंक्तियाँ उद्धृत की हैं उसमें भी उसी बात को बताया गया है, इधर पृष्ठ संख्या 1662 में 82 में। हाँ नहीं, ये बात ठीक है कि ये बाहर उठा रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न तो महाभाष्य में उठा कि एक एक बोरी को या एक भार को कई जने उठा रहे हैं, चार जने उठा रहे हैं, तो कर्तृत्व कितनों का माना जाएगा, चारों का सामूहिक रूप से माना जाएगा या प्रत्येक का कर्तृत्व स्वतंत्र माना जाएगा। तो उसमें अगर प्रत्येक का स्वतंत्र कर्तृत्व है लेकिन वो सापेक्ष है, क्योंकि तो उसमें हेतु उनका है कि अगर तीन उठा रहे हैं और एक नहीं उठा रहा है तो वो उठ नहीं पाएगा, इसलिए कर्म तो कर्तृत्व तो प्रत्येक का है, यद्यपि अकेला नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी कर्तृत्व स्वीकार किया जाता है, ऐसे यहां पर भी याग में होना चाहिए। इस रूप में ये दृष्टांत ठीक है। अब यहां पर जो हस्ती और अश्व वाला है कि आप इसको कर्म के रूप से देखें तो एक हाथी है और उसके देखने को एक एक के द्वारा कृष्ण रूप से किया जा रहा है, लेकिन अगर आप यूं देखें अब इस दृष्टांत को, दृष्टांत क्या बनाया आप जिस तरह प्रस्तुत कर रहे हो कि एक हाथी है उसको एक ने देखा, उसने भी पूरी तरह देखा, दूसरे ने देखा उसने भी पूरी तरह से देखा, कृष्णता वहां पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो याग है सत्र है इसमें तो जो कर्म किए गए हैं वो प्रत्येक के द्वारा कृष्ण रूप से नहीं किए गए। रुको बात को, वो दृष्टांत मेरे को देख लिया ना महाभाष्य वाला, वो भी है, आप उसी को ही तो लेकर के आओगे कि नहीं वहां भी कृष्णता है, उसको कृष्णता नहीं कहते, कृष्ण रूप से नहीं किया जा रहा, ये दृष्टांत दृष्टांत में भेद है। जो महाभाष्य वाला उदाहरण है उससे प्रत्येक का कर्तृत्व तो सिद्ध किया जा रहा है लेकिन उससे ये नहीं कहा जा रहा है कि उसने कृष्ण कर्म किया है, कर्तृत्व तो सबका है, एकांश में कर्म करते हुए भी कर्तृत्व स्वीकार किया जा रहा है, कृष्ण कर्म प्रत्येक कर रहा है ये थोड़ा कथन है, ऐसा कथन है क्या, कृष्ण कृष्ण रूप से कर्म है, बताओ कहां पर है। मतलब सापेक्ष रहते हुए प्रत्येक का पूरा पूरा मतलब कर्तृत्व है और उसके द्वारा पूरा पूरा कर्म किया है, कर्तृत्व पूरा है जी, लेकिन कर्म कृष्ण नहीं किया जा रहा है उसका जी, अगर रुको बात को, पूरा नहीं किया जा रहा है, देखो दोनों बातें हो गई, कर्तृत्व पूरा है
उसको भी उसका कर्ता पूरी तरह माना जा रहा है और चारों को कर्ता माना जा रहा है, लेकिन ये भी तो पता है ना कि एक जना कृत्स्न नहीं कर सकता है, कृत्स्न नहीं कर सकता है। दृष्टांत दाष्टांत के भेद को देखिए, ये वाला जो भार उठाने का है ये दृष्टांत याग वाले पर घट रहा है, लेकिन हस्ती और अश्व को देखने की जो बात है उसमें प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है उसको, और उसमें कृष्ण के रूप से दर्शनम एक ही के न कृष्णम अभिनिर्वर्तित है, जो दर्शन है वो कृष्ण रूप से उसके द्वारा किया जा रहा है, तो कृष्ण दर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन न तो याग वाले उदाहरण में न महाभाष्य उदाहरण वाले में कृष्ण कर्म नहीं किया जा रहा है। बोलो जी। यहां पर यह दर्शन का उदाहरण भी इसीलिए दिया है क्योंकि एक व्यक्ति दर्शन को पूरा पूरा कर रहा है, उसी बात को वहां बता रहे हैं कि जो 16 व्यक्ति मिलकर के याग कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पूरा याग को कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो जब केवल यजमान एक यजमान याग करता है तो उसमें भी ये कहा जाएगा कि वो पूरा याग नहीं कर रहा है क्योंकि सारे कर्म तो वो नहीं करता है, तो इसलिए तो वो तो कोई बात नहीं है, उसमें तो वो दक्षिणा देता है तो सारे कर्म यजमान के ही माने जाएंगे वहां जी। अकेला जहां कर रहा है उसको तो उदाहरण में मत लाओ। पहले भी जैसे आया था कि जो अध्वर्यु का जो काम करता है वो करते हुए वो यजति कहा जाता है, अध्वर्यु यजति, वो कथन मात्र है, तो उस तरीके से कथन होता है, तो मतलब वो पूरे कर्म को ही वो सारे मिलके कर रहे हैं, अगर उसमें से आप एक को भी हटा देंगे तो वो कर्म पूरा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, पूरे को कर रहा है ये वहां पर भी नहीं है, जो अध्वर्यु वाला उदाहरण है ना, अध्वर्यव को करते हुए अध्वर्यु यजेत, यजेता शब्द से कहा जाता है कि वो याग कर रहा है, लेकिन वहां ये तात्पर्य नहीं कि वो कृष्ण को कर रहा होता है, कृष्ण शब्द नहीं है वहां पर, याग कर रहा है ठीक है, दस जने भोजन बना रहे हैं सबके लिए कहा जाएगा भाई भोजन बना रहा है, भोजन बना रहा है, लेकिन वो कृष्णता नहीं होती है, वाक्य तो बन सकता है लेकिन यहां तो स्पष्ट रूप से कृष्णम अभिनिर्वर्तित ही है। महाभाष्य वाला उदाहरण देखिए, पहले हिंदी का देख लीजिए, इनका जो एक एक यानी पृथक पृथक भार को नहीं उठा सकते वहां कर्तृत्व तो कैसे होगा, कर्तृत्व तो का प्रश्न है, कर्तृत्व तो कैसे होगा, क्योंकि जब वहां वाक्य में प्रयोग करेंगे ना कि भाई ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, अब कार्य तो पूरा है वो एक ही अंश को कर रहा है, तो उस कर्म को करने का उसको कैसे कहा जा रहा है, पचती शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दस जने प्रयोग कर रहे हैं, दस जने बना रहे हैं, तो पचति शब्द दसों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इतनी सी बात है। तो यहां कर्तृत्व कैसे होगा, कैसे माना जाए, एक एक कर्ता होवे अथवा सब कर्ता होवे इसमें कैसे युक्त यानी न्याय है, यदि कर्तृत्व में कारण उद्यमन भार उठाना होवे, उद्यमन ही है वहां उस उदाहरण के अंदर भार उठाना होवे, तो अन्यतर किसी एक के तुल्य होवे, अर्थात किसी भी एक के हट जाने पर भार का उठाना नहीं हो सकता, इससे वे पृथक पृथक कर्ता होवे अपेक्षा के सहित, अन्य की अपेक्षा रखने वाले, इसमें कहीं कृष्णता की बात नहीं है, ये कहीं कृष्णता की बात नहीं है, ये ठीक है कि कर्तृत्व सबका होगा, दूसरे के सापेक्ष रहते हुए होगा, वो एक ही अंश को कर रहा है। ये जो हाथी और अश्व को देखने की बात है उसमें इन्होंने कहा है दर्शनम एक ही के न कृष्णम अभिनिर्वर्तित है, एक एक के द्वारा कृष्ण रूप से कहा है कि ये भी पूरा देख रहा है ये भी पूरा देख रहा है। और दूसरी बात, इस दृष्टांत में सापेक्ष दर्शन नहीं है कि दूसरा है इसलिए हम देख पा रहे हैं, ये सामान्य कोई हाथी घोड़ा खड़ा हुआ है और हम दस जने देख रहे हैं, तो उसमें सापेक्षता नहीं है, एक व्यक्ति भी स्वतंत्र रूप से देख सकता है, लेकिन हमारे उदाहरण और महाभाष्य का ले लो चाहे यहां सत्र का ले लो, वो एक को अनेक लोग कर पा रहे हैं, इस दृष्टि से यहां उतने में समस्या है, या तो इसकी हम व्याख्या अलग ढंग से करेंगे। हाँ जी, इस जो दर्शन वाला उदाहरण है उसमें सापेक्ष नहीं है इसलिए ही ये उदाहरण बन रहा है, अगर ये सापेक्ष होता तो उदाहरण ही नहीं बनता, क्योंकि हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाना पड़ेगा कि जहां पर कृष्ण अभिनिर्वृत्त हो रहा है दर्शन। नहीं तो नहीं, दृष्टांत तो यहां पर यह आना चाहिए, मुख्य बात है फल की, मुख्य बात है फल की, तो कर्म करते समय तो सापेक्षता दृष्टांत में भी होनी ही चाहिए, कर्म करते हुए सापेक्षता वाला दृष्टांत हो और इसके साथ साथ फल निरपेक्ष रूप से आ रहा हो, स्वतंत्र रूप से आ रहा हो, ऐसा दृष्टांत आना चाहिए। आचार्य जी, अगर यहां सबसे मुख्य बात यह है कि अगर यहां पर हम सबका सबके द्वारा पूरा पूरा याग संपन्न होना सिद्ध करेंगे तभी सबको पूरा पूरा फल मिलेगा, ये बात है? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, ये बात ही नहीं है, ये तो सिद्ध किसी भी तरह से नहीं हो सकती, ऐसा कथन हम कर सकते हैं कि
कि हम औरों की सहायता से संपूर्ण कर रहे हैं, तो फिर एक जना संपूर्ण कर रहा है, दूसरा भी संपूर्ण कर रहा है, तीसरा भी संपूर्ण कर रहा है, तो सब जने संपूर्ण कृष्ण याग को कर रहे हैं तब तो अनेक याग हो गए। पांच जने कृष्ण रूप से कर रहे हैं तो पांच याग हो गए, तो पांच के फल आएंगे, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि उनको पूरा पूरा फल मिलेगा। संदेह किस बात में है कि एक ही कर्म है, अनेक जने मिलके कर रहे हैं और करने वाले कृष्ण नहीं कर पा रहे, तो भी क्या फल उनको कृष्ण प्राप्त होगा? समस्या तो यहां पर है। नहीं तो जैसे एक व्यक्ति एक कर्म को कृष्ण करता है और फल मिलता है, तो पांच जने मिलके कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण फल प्राप्त हो रहा है, वो तो विवाद का विषय ही नहीं है, वो संदेह का विषय ही नहीं है जी। अगर यहां पर प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण याग को नहीं कर रहे हैं तो ये मतलब हो ही नहीं सकता कि उनको कृष्ण फल मिले। ये तो ये सामान्य बुद्धि से यानी सामान्यतया जो हम सोचते हैं उसको कृष्णफल नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो ये चलाया गया है, इसीलिए तो चलाया गया है। ये कह रहे हैं कि जो फलार्थता होती है वो सबको प्राप्त होगी। जैसे हम भोजन में देखा, जैसे हमने यात्रा वाला उदाहरण लिया, या तो एक कार्यक्रम देखना है तो कई जने जाके बैठे, झूला चल रहा है उसमें कई जने बैठे, तो फल तो सबको समान रूप से हुआ क्योंकि सबकी जो घूमने की या खाने की देखने की इच्छा थी वो सबकी पूरी हो रही है। लेकिन कर्म ऐसा है कि जो अकेले नहीं कर सकते, उसमें अनेक मिल करके कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ बताओ वो ये है कि जैसे 16 व्यक्ति मिलकर याग कर रहे हैं तो अगर आप उसमें से एक व्यक्ति को भी हटा देंगे तो उस याग की संपन्नता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सारे व्यक्ति पूरा पूरा, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति पूरा याग में जितने कर्म करने चाहिए उसको पूरा कर रहा है, दूसरा भी उसी को कर रहा है, ऐसे नहीं है। कर तो सब अपने अपनी क्रिया रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से एक भी हट जाता है तो उस क्रिया की संपन्नता नहीं होती, मतलब याग संपन्न नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक का कृष्ण याग कहा जा रहा है, इसलिए सबका कर्तृत्व है, सबको पूरा पूरा फल। इसलिए इसमें दो दृष्टि से देखो, एक तो आपने जो बात कही यदि उनमें से एक भी हट जाता है तो काम नहीं होगा, जैसा महाभाष्यकार ने लिखा है। अब इसको दूसरी दृष्टि से देखो कि यदि एक उस कार्य को करता है तो भी नहीं कर पाता है। दोनों ही बातें तथ्य हैं, दोनों ही को बात में लेके चलना है कि 10 जने हैं और उसमें से एक नहीं है तो वो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम यू कहें कि उस एक के कारण से हो रहा है, तो ठीक है 9 को हटाओ और 10 को लगा, 10वें को लगाओ अकेले को, तब भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए सापेक्ष है, इसी से सिद्ध होता है कि कृष्णता नहीं है करने की, एक एक व्यक्ति पूरा पूरा नहीं कर रहा है। हाँ, कर्तृत्व तो अवश्य रहेगा प्रत्येक का, पक्ष होगा। अगर सबका कृष्णत्व तो नहीं रहेगा तब फिर उनको सबको कृष्ण फल भी नहीं मिलेगा, ये पक्ष आएगा। इसलिए यहाँ पर ये कृष्णता सिद्ध कर रहे हैं, कृष्णता सिद्ध करते हुए सबको पूरा फल भी मिलेगा, इसको ये बताना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है। देखो इसमें आगे की बात देखो, इसमें अगर ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं तो ठीक है, वो भी मान लेंगे। इन्होंने क्या कहा, एवं एव सत्रे तंत्र भावो भवेत, इसी तरह सत्र में भी तंत्र भाव होवे। तंत्र भाव का क्या मतलब हुआ, एक होते हुए भी अनेकों का। सर्वेषां मध्यकम द्रव्यम, एक ही है। मध्यकस्य आह्वनीयस्य उपरि अध्वर्यु उपविद्यति, तत्र सर्वे कर्तारः तंत्रेण भवन्ति। करता तो हो रहे हैं सब, कैसे, तंत्र से होते हैं, पृथक पृथक नहीं होते। न च अत्र उत्पन्न संयोग, वो तो और आगे की बातें आ गई। सब प्रधान रूप से रहते हैं, नीचे प्रधान लिखा हुआ है क्या, तंत्रेण नहीं, तत्र सर्वे करता रह तंत्रेण भवंती, प्रधान रूप से होते हैं, इसका मतलब था कि सब प्रधान हो गए वहां पर और सब पूरा पूरा कर रहे हैं, वो अर्थ है। प्रधान हम कह सकते हैं कि सभी यजमान है, इस दृष्टि से तो कह सकते हैं। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, इस प्रकार सत्र में भी तंत्र भाव एक साथ पूर्णता होवे, मतलब सब मिलेंगे तो उसकी पूर्ति हो पाएगी, तो मिल पाएंगे। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। और कोई पूछना किसी को? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1664 में एक अवयुत्यवाद बोल के इसमें आया था, पहली पंक्ति है भाष्य की, आर्षयम वृणीते एकम वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन वृणीते, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर अवयुत्यवाद करके प्रयोग किया जाता है। और जैसे कुछ लोग प्रवचन में भी ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी कार्य को किया
कार्य करने का, मतलब 10 बार किसी कार्य को किया, तो अब उसको एक बार ऐसे बोलना कि मैंने उसको 10 बार किया, और एक इस तरीके से बोला जाता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10-10 बार किया, तो उस तरीके से कहने से उस वाक्य में उसमें जोर आता है, जो व्यक्ति कुछ तो अतिरिक्त कह ही रहा है, ये तो कह रहा है कि 10 बार किया मैंने, यो भी कहता है 10 बार किया है मैंने, जोर दे दिया, एक सामान्य कथन हुआ। और जहां आश्चर्यजनक रूप से अति काम किया है और तो कठिन काम किया है, दूसरे सोच रहे हैं, दूसरे ने तो कहा कि भाई आपने तो किया ही नहीं, बोले मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब ऐसे वो करता चला जाएगा, मैंने 10 बार किया है, जोर देने के लिए, सामने वाले को जोर देके उत्तर देने के लिए इस तरह से प्रयोग होते हैं, होते हैं। पर इसको अभ्युक्तिवाद की दृष्टि से हम यूं देख सकते हैं, दूसरे ये तो ना वाला ये तो स्पष्ट है ही, लेकिन जैसे ये है ना, एकम वृणीते, दो वृणीते, तीन वृणीते, ये तो स्वतंत्र स्वतंत्र लग रहे हैं ना, तो बोले चलो एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, ऐसा नहीं। तो जहां कहीं किसी कार्य को बहुत, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है तो बोले एक का वर्ण करता है एक ऋषि वाला, दो का करता है, तीन का करता है, ऐसे तीन तक पहुंचाना चाहते हैं, एक और दो कहना उसके लिए मुख्य नहीं है, वो अंतिम नहीं है कि स्वतंत्र रूप से वो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से कुछ पढ़ाई की हो और फिर वो कहता है, उसके लिए बड़ी चीजें हैं, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, मील के पत्थर हैं, तो कहेगा मैंने 10वीं की इन विषम स्थिति में, फिर 11वीं की, फिर ये नौकरी की, फिर ये नौकरी की, ये उपाधि प्राप्त की, ऐसे करते करते वो अंतिम बात को कह रहा है, उसको बताना चाहता है, वो उसके अंतर्गत है। अब बड़ी है, किसी ने एमए कर ली, तो एमए कर ली तो बीए भी की है और 10वीं 12वीं भी की है, इसको कहने में कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन किसी को जोर दे के कहना हो और स्थिति बतानी हो तो वो भी कहा जा सकता है, और वो उसमें अव्युत्यवादी होता है, उसमें अंतर्भावित मान के चलते हैं ऐसा। हाँ आचार्य वर्य, अस्मिन् एव पृष्ठे तदस्तात् तृतीय पंक्ति त्रयाणाम एव स्तुति लिखितम अस्ति। हाँ, तीन की ही यहाँ पर स्तुति है, एक और दो की स्तुति नहीं है यहाँ पर। तो पुनः न पंच अति वृणेते एवं कथम भविष्य भवितुमर्हति। तीन की स्तुति हो गई ना, चार नहीं करते हैं। पंचानाम अपि स्वीकारम भवत्। ये तो हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन इनका जो शीर्षक है ना, तो त्रयार्षे का ही यहाँ पर है, केवल तीन को ही है। हम पांच को इसलिए निकाल लेते हैं कि बोले पांच से आगे नहीं, न पंचाति वृणीते, इसलिए तो पांच को भी ले रहे हैं, लेकिन तीन की तो आप मान लो, पांच की भी स्तुति मान लो, लेकिन पांच का इन्होंने कोई उल्लेख किया नहीं है। अस्मिन् अग्रिमे पृष्ठे पंचषष्ठी पृष्ठ संख्या विवरणे द्वितीय परिच्छेदस्य तृतीय पंक्ति। इस प्रकार त्रयार्षीय त्रिप्रवर और पंचार्षय पंचप्रवर का यज्ञ में वर्ण होता है, पंचस्य तो ग्रहणम कथम भवति, पंचानाम कैसे होता है, ये पूछ रहे हैं कैसे होता है। त्रयाणाम एव, अत्र तो भाष्यकार ने लिखितम अस्ति त्रयाणाम एव, अत्र ये व्याख्याकार ने लिखा है, विवरणकार ने कथम भवितुमर्हति, एव शब्द से प्रयोगम अस्ति पुनः पंचानाम तो न भवितुमर्हति। हाँ नहीं, इन्होंने जिस तरह निकाला है ना, उसका आधार तो ये है कि न पंचाति वृणीते, पांच से आगे का वर्ण नहीं करता है, तो चार का निषेध कर दिया, पांच का निषेध नहीं हो रहा है, इसलिए पांच भी प्राप्त हो जाता है, बस वो गौण रूप से है। तीन के लिए तो विशेष कथन किया, तीन वृणीते, तो जो आप एव का कह रहे हैं ना, वो तो शीर्षक और उस दृष्टि से तो ठीक है, और ये जो व्याख्याकारों ने लिखा है वो उस न पंचाति वृणीते उसके आधार पर लिखा है। ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, विरुद्ध मतलब एक अतिरिक्त बात हो गई, क्योंकि वहां एव लिखा है तीन का ही, तो उस दृष्टि से तो पांच को भी जोड़ना उसके विपरीत जाएगा। द्विवारम लिखितम अस्ति, नीचे ही अपि लिखितम अस्ति प्रयाणम, ठीक है, होता है ऐसा। और प्रियाश्रयस्य को अर्थ, प्रियाश्रय उसके कुल में जो ये याग कर रहा है, कोई भी वो संकल्प कर रहा है, तो उसको अपने गोत्र के पहले तीन ऋषियों को बताना पड़ता है कि मैं इस परंपरा वाले कुल का हूं जिसमें तीन ऋषि हो चुके हैं, ये अपनी योग्यता को बताने के लिए कि भाई मैं यूं ही नहीं हूं, कहीं से भी किसी परिवार से यूं ही उठ करके आया हुआ नहीं हूं, ये मेरे परिवार में वंश परंपरा से चला आ रहा है और तीन ऋषि मेरे उसमें हो चुके हैं, अब मैं इस कार्य को करने का अधिकारी बन रहा हूं। जैसे गोत्रे त्रय ऋषय न अभुवन, हाँ यही बात है, यही मतलब है इसका।
पुनः तो पूर्वम तो बहुधा उक्तवान स्वर्ग काम यस्य स कर्तुम अर्हति। पुनः उसके साथ साथ ये चीजें भी है ना वरण के लिए, जो कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसा होगा तो प्राप्त करेगा। अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म का ज्ञान किन के लिए है? धर्म सबके लिए है ना, धर्म किसके लिए? सबके लिए, एक सामान्य कथन है। लेकिन जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उनके लिए धर्म का विधान किया जाए, तब ये एक विशेष बात आ गई, विशेष स्थिति में कहा जा रहा है कि धर्म का जो मर्म है महत्वपूर्ण है वो ही ले सकता है जो अर्थ और काम में कम आसक्त हो या आसक्त नहीं हो, नहीं तो धर्म का उपदेश भी वहां पर व्यर्थ हो जाएगा। यद्यपि धर्म का उपदेश सबके लिए है पर फिर भी ये एक स्थिति बताई गई। तो स्वर्ग काम है, जिस जिसको भी स्वर्ग की कामना है वो सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की योग्यता भी होनी चाहिए तब वो सार्थक होगा। इस रूप में क्या आप ले सकते हो, एक योग्यता बनाई भाई इन्हीं ये लोग कर, ऐसे ही लोग कर सकते हैं, इस योग्यता वाले ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दृष्टांत भेद लक्ष्यते धर्म ज्ञानम विधीयते, ज्ञानम तो तेषां कृते भविष्यति परंतु आचरणम सर्वेषां कृते अस्ति। ऐसा नहीं है, वो जो विधान जो धर्म का विधान है वो आचरण के लिए ही तो है, आप यूं अलग अलग तो ना कर सकते हैं कि वो उपदेश तो इनके लिए है और आचरण सबके लिए, वो आचरण करेंगे कैसे बिना जाने? श्रुत्वा, तो सुनना भी तो वो तो उसी में अंतर आ गया ना, उपदेश में ही आ गया वो तो। नहीं, इसका तात्पर्य इस रूप में है ना कि जो अर्थ और काम में आसक्त है उसी में लगा हुआ है, वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं वो तो, उसको तो पैसा दिखाई दे रहा है, उसको तो कोई कामना दिखाई दे रही है और सुनेगा भी तो कोई उसको मतलब नहीं है, व्यर्थ जाएगा। तो जो इसके प्रति आसक्त नहीं है, कम मात्रा में है, वो लोग धर्म को सुन सकते हैं, वो उसमें धर्म का अच्छा आचरण भी कर सकते हैं। अब जिसको अर्थ की कामना है उसको कहो आपके चोरी मत करो, उसका लक्ष्य ही पैसा बना हुआ है, वो चोरी करने ना करने से क्या उसको मतलब है, वो तो कहेगा कैसे भी आए मैं तो लूंगा पैसा, वो पैसे में आसक्त है, कोई मतलब नहीं है वहां पर। तो अल्पासक्त तो करतुम अर्हति परंतु अत्र कथम, कर सकते मैं एक, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं उसी तरह से, जैसे देखो इनमें परस्पर विरोध नहीं है, स्वर्ग की कामना वाला कर सकता है, उसके साथ साथ अन्य योग्यता भी तो चाहिए ना, विकलांग नहीं हो, उसके पास द्रव्य भी होना चाहिए, ये दूसरी चीजें भी जुड़ गई ना, ऐसे ही ये भी एक योग्यता के रूप में वहां कहा गया है कि इसमें ये होना चाहिए। चतुर्षष्टि पृष्ठ संख्या अस्मिन् एव अंतिमा पंक्ति न पंचाति वृणीत इति नित्य अनुवाद, नित्य अनुवाद कथम अस्ति? नित्य अनुवाद का मतलब है जिसका निषेध पहले से प्राप्त था, जो चार का निषेध और पांच से अधिक का निषेध पहले से था लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इसको, जो पहले से ही नित्य निषिद्ध थे उसका भी पुनर्कथन करना ये नित्य अनुवाद है। कस्मिन वाक्य निषेधम अस्ति? दूसरी जगह हो, कहीं होगा, यहां नहीं लिखा है, दूसरी जगह होगा। एक इसके लिए पहले आया हुआ है न पृथ्व्याम न दिवि चेतव्यो नांतरिक्षे, निषेध किया गया। अब ये क्या है? नित्यानुवाद है भाई, अंतरिक्ष में द्विलोक में तो होता ही नहीं, करेगा क्या? और फिर न पृथ्व्याम भी कहा गया, चलो पृथ्वी में तो हो सकता है तो पृथ्वी में नहीं करना चाहिए, फिर हिरण्यम निधाय सोना करके और फिर उसके ऊपर चयन करना चाहिए इत्यादि। तो जो चीजें प्राप्त ही नहीं थी उसका भी निषेध किया जाता है, ये भाषा में प्रयोग होता है, ऐसा प्रयोग होता है, इसको नित्यानुवाद कहते हैं। तो इसमें यहां भी इस प्रसंग में ये कहना चाहते हैं कि चार और पांच से अधिक जो हैं वो प्राप्त ही नहीं है, निषिद्ध है, लेकिन फिर भी यहां पर निषेध किया जा रहा है उसका। निषेध वाक्य अन्यत्र कुत्रापि अस्ति, हाँ कहीं अप्राप्ति है, पहले से सिद्ध है, कहीं से भी हो वो असिद्ध है। हाँ, रविशंकर जी, इसी प्रसंग में आर्षे वाले प्रसंग में तो ये जो सिद्धांती ने कहा कि त्रीन वृणीते, तो इसमें अगर कुल में अगर तीन ऋषि होंगे तो वो याग कर सकता है, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि जो एक और दो हैं उनका इसमें अनुवाद किया जा रहा है, अभियुक्तवाद। हाँ, अभियुक्तवाद करके उसी में ही तीन वाले ही ये एक और दो हैं जी, अलग से नहीं है कि एक वाला भी कर सकता है और दो वाला भी कर सकता है। तो जी हाँ, हाँ तो जी, जब ये अनुवाद कर रहे हैं तो फिर एक वाले ऋषि वाला जो होगा कोई और दो वाले
जो ऋषि वाला होगा तो उसको क्यों निषेध कर सकते हैं फिर? उसको उसका निषेध फिर कैसे बनेगा? वो भी बनेगा, वो भी कर सकेगा जी, अनुवाद है तो। नहीं नहीं, अनुवाद नहीं है ये, अब ये अवयुक्तवाद है जी। इसमें विवरण में जी ऐसा दिया हुआ है, बताओ। विवरण की ऊपर से चौथी पंक्ति है, त्रयाणामेव स्तुति, यहाँ तीन की ही स्तुति है, एक दो का अनुवाद है। पृष्ठ संख्या आप 64 पे बोल रहे हो? 65 पे जी, 65 पे। हाँ, जिसमें विवरण में चौथी पंक्ति ऊपर से, हाँ, यहाँ तीन की ही स्तुति है, एक दो का अनुवाद है। हाँ, क्योंकि तीन प्राप्त हैं पहले से, तीन प्राप्त हैं, अब उसी में से एक को कहा जा रहा है, ये उस तीन में से एक है इसलिए यह अनुवाद है। दो को कहा जा रहा है, वो तीन में से दो है इसलिए यह अनुवाद है, क्योंकि तीन कहने में तो तीनों का ग्रहण हो गया था, तीन कहने से तीनों का ग्रहण हो गया। किसी को कहा कि भाई ये इसने स्नातकोत्तर अध्ययन कर रखा है, फिर कहा कि इसने स्नातक किया है, अब ये जो स्नातक किया है, ये जो कथन किया जा रहा है, ये अभियुक्तवाद है, अलग से नहीं है, ये उसमें अंतर्भावित है। तीन के अंदर एक और दो तो आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी जो कथन किया जा रहा है, इस दृष्टि से अनुवाद है, ये तीन का प्राप्त है और एक और दो भी इसमें ले रहे हैं। तो जी, जब हम ये कह रहे हैं कि तीन का कथन है और एक और दो उसमें आ गए, जैसे स्नातकोत्तर कहा तो स्नातक तो उसमें आ ही गया, तो फिर ये मैं कहना चाह रहा हूं, तो अगर तीन ऋषि वाला अगर आ रहा है तो फिर दो वाला क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि तीन में तीन ऋषि कुल में हैं, उसके दो ऋषि भी हैं कुल में, उसका एक ऋषि भी है कुल में, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, जिसके केवल दो ही हैं, जिनके दो हैं, हाँ। तो चूंकि तीन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। जो तीन वाला है उसके दो भी ऋषि हैं, उसके एक भी ऋषि हैं। कह के आपके कितने पुत्र हैं? तीन पुत्र हैं, तो क्या उसका एक पुत्र नहीं है? क्या उसके दो पुत्र नहीं है? हैं? हाँ, ये जो वाक्य है आर्षयम वृणीते एकम वृणीते आदि, तो इसमें अनुवाद पहले हो रहा है और विधान बाद में हो रहा है? अनुवाद पहले हो रहा है और विधान बाद में हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? या तो कहीं दूसरी जगह वर्णन होगा ऐसा मान के चलिए, और नहीं तो यो भी, चूंकि ये तीन जो कहा गया उसी का ही पहले कथन है, ये उस तरह का अनुवाद नहीं है, उस तरह का अनुवाद नहीं है। मूल में अनुवाद मिलाया गया शब्द आपको, मूल में अनुवाद शब्द है 1664 पृष्ठ पे, 1664 पर। हाँ, मूल में बताओ, 43 सूत्र के भाष्य में ऊपर, हाँ, से चौथी पंक्ति में एकम वृणीते इति अनुवाद, एकम वृणीते इति अवयुत्यानुवाद वयम त्रयाणाम, अवयुत्यानुवाद है ये, वैसा अनुवाद नहीं जो सामान्यता है, अवयुक्त्यानुवाद है। आगे भी जो कथन किया जाना है, आपका कहना है भी एक दो और फिर तीन आ रहा है यहीं पर ही आ रहा है, तो ये अवयुक्त, उसके अंतर्गत होते हुए इसको कहा जाए, तीन से भी काम चल सकता था लेकिन फिर भी अलग कहा गया, तो जो कहा जा चुका या कहा जाने वाला है, आगे आने वाला है, फिर भी इसको अलग से कहा जा रहा है, ये अवयुक्त्यानुवाद है। अंतर्भावित होते हुए भी इसका अलग से जो कथन है ये अवयुक्त्यानुवाद है। हाँ, कश्चित यदि न जानाति तस्य गोत्रे ऋषय भुवन वा न यथा अद्यत्वे जनानाम गोत्र ज्ञानम न भवति, ज्ञान हो जाएगा, पूछने से हो जाएगा, उस समय होता था ये चला है, आजकल लोग पूछते भी नहीं है, और जो करते हैं इन सबको तो वो उनको पता भी रहता है। असल में इसमें जो गोत्र होता है ना, उस गोत्र वाले में बहुत पिछली पीढ़ियों में 100,000-5,000 साल पहले कितना भी पुराना है, उसमें उस गोत्र वाले कोई भी अगर मिलते हैं तो उसके उसका वो माना जाता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या हो गई ना, इतने ज्यादा हो गए कि पीछे कोई ना कोई हो ही जाता है, तो उसमें कोई इतनी बात नहीं है। वयम तो सर्वे ऋषिणाम एव संताना सर्वेषाम एव पूर्वजा। अब आप उनको ऋषि मानेंगे जिनकी संतान हम हैं, अथवा ऋषि तो ब्रह्मचारी रहते थे तो उनकी संतान हम कहां से होंगे? भगवान ऋषय द्विविधा भवन्ति, ऋषि दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पठन पाठने अपि ऋषय भवन्ति और मोक्ष कामा अपि ऋषय भवन्ति। हाँ, तो जो पठन पाठन वाले ऋषि हैं, जो गृहस्थी हैं उनके हैं, ठीक है, ऐसा में वो गोत्रम प्रचलति अद्वितीय अपि। तो उसमें नाम बताना पड़ता है कि कौन से ऋषि हैं, ऋषि तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से आपके गोत्र वाले कौन से हैं वो नाम बताते हैं। त्रयाणाम ज्ञानम न होते, एक से तो ज्ञान होते, गोत्रम ज्ञानन दिए बिना, उसके अलावा भी होते हैं, उस समय ऐसा माना जाता था भाई, ठीक है
आपको ये होना चाहिए, ये चीजें आपको होनी चाहिए, तो आपको हम इसमें करेंगे। हाँ जी आचार्य जी, जो बताते हैं कि जो 88,000 ऋषि हुए थे उसमें से जो 8 लोग ने विवाह किया था, तो उन 8 ऋषियों के नाम से ही गोत्र चलते हैं, तो उनमें से सबका अलग अलग, जैसे आत्रेय, वशिष्ठ, भारद्वाज आदि गोत्र होते हैं, उसमें से अब किसी किसी व्यक्ति का गोत्र अगर नहीं पता हो तो उसका भी एक विकल्प कहा जाता है, कहाँ का वचन है मेरे को स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर किसी का गोत्र नहीं पता है और कोई क्रिया कर रहा है तो कैसे करे, तो उसके लिए सामान्य 2 गोत्र माने गए, एक काश्यप गोत्र और एक पाराशर गोत्र, तो इन दो सामान्य रूप से सबको सबको तो इस तरीके से वो करते हैं। तो ठीक है, 88,000 में से 8 कितने प्रतिशत हुए? 88,000 में से 8, चलो ठीक है। आचार्य जी, इसी गोत्र के संबंध में जी एक प्रश्न है कि जैसे हम अभी प्रयोग करते हैं मंगल, जिंदल, कंसल, तो जी इसका क्या सिद्धांत है? ऐसा कहते हैं वो भी सिद्धांत तो आजकल तो कुछ और भी हो जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में कोई अपने कुल परंपरा में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से फिर चल पड़ता है। गोत्र का अवयव और उसमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, गोत्र प्रवर्तक व्यक्ति कोई प्रसिद्ध होता है, उससे फिर गोत्र चल जाता है और फिर उसकी संतानें फिर वो लगाने लग जाती हैं। सामान्य व्यक्ति से ये चल नहीं पाता है, तो प्राचीन काल में उनको ऋषियों के रूप में हम देखते थे कि ऋषि रूप में चल जाते थे। अब देखिए, अब गांधी परिवार है, उसमें गांधी गोत्र कैसे आ गया? गांधी परिवार मतलब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी, ठीक है, गांधी तो थे महात्मा गांधी, इनके तो परिवार में गांधी गोत्र था नहीं, लेकिन इन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर अपने नाम गांधी रख लिए। अब इनकी जो संतान है वो सब गांधी गांधी करते जाएं क्योंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए थे। लाल बहादुर जी शास्त्री, वो तो शास्त्री थे, शास्त्री उन्होंने उत्तीर्ण की थी परीक्षा, इसलिए वो शास्त्री थे। अब चूंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो अब उनकी जो संतान है वो शास्त्री, अनिल शास्त्री जी या जो भी हैं, वो शास्त्री शास्त्री लगाते हैं। अब ये क्या हो गया, प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से गोत्र प्रवर्तन चल जाता है, उस सब उस नाम से चला लेते हैं। तो ऐसे पुराने समय में भी कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया तो उसके बाद की संतानें उसके नाम से जानी जाती है, अच्छा उसके हैं, उस गोत्र वाले गोत्र प्रवर्तक व्यक्ति हो जाते हैं, विशेष विशेष ऐसे नाम चल जाता है। ठीक है, पाठ से संबंधित कुछ और पूछना है तो? हाँ रविशंकर जी। तो जी इसी में तो जी फिर इस दृष्टि से जैसे अग्रसेन जी की जो कहलाते हैं ये मंगल, जिंदल आदि ये जो है तो लगा सकते हैं, यूं कोई दोष? बिल्कुल लगा सकते हैं, तो वही तो बताया, बिल्कुल लगाते हैं ना। इसमें महाभाष्य और इसमें गर्ग गोत्र कब से आता है देखो आज भी गर्ग गोत्र प्रचलित है अग्रवालों में, तो गर्ग गोत्र तब से है, बहुत पहले से है। अब ठीक है, और बाद में धीरे धीरे बढ़ भी जाते हैं ना किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब कोई जैसे पंसारी गोत्र है, अब ये जो अपने रामचंद्र जी पंसारी आते थे, अब वो पंसारी पंसारी, अब वो सब पंसारी लगने लगे, उन पंसारी की दुकान थी और उससे फिर वो नाम चल पड़ा, और हरियाणा और इधर पंजाब में गांव के नाम से चल पड़ता है, गांव का नाम उसके व्यक्ति और उसके नाम पे वो गोत्र की तरह से जाना जाता है। जैसे सत्यनारायण जी जूई वाला, वो जूई वाला है तो वो भी अग्रवाल, लेकिन जूई वाला कोई उनका गोत्र नहीं है, उनका गांव का नाम मूल जो अभिजन प्रदेश है जहां से निकल के वो दूसरी जगह गए वो जूई वाला है, तो वो सब उसी तरह वो सब जूई वाला लगाने लग जाते हैं अगर चलता है तो, अगर वो प्रसिद्ध व्यक्ति है तो, और प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है तो वो चलेगा या उसके तक रहेगा, उसने अपना उपनाम किया और अगली पीढ़ियां वही जो अन्य गोत्र पीछे से चले आ रहे हैं उनको लगाती रहती है। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1673 इसमें एक वचन आया है, वास्तुमयम रौद्रम चरुम निर्ववेत यस्य रुद्रः प्रजा शमयेत। तो इसमें जो वास्तु का मतलब तो बथुआ और रुद्र का मतलब ज्वर, तो क्या इसमें? नहीं, रुद्र का मतलब ज्वर नहीं, रुद्र तो देवता है यहाँ पर। हाँ
ज्वर, ज्वर के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं तो यस्य रुद्र, रुद्र मतलब वो रुद्र अपना रौद्र रूप दिखाता है ना, तो उसे रुद्र तो देवता है, लेकिन एक जैसे कि ज्वर के लिए भी प्रयोग किया जाता है उसको। इन्होंने क्या लिखा है, जिसकी रुद्र प्रजाओं को नष्ट करे, रुद्र जिसकी प्रजाओं को नष्ट करे। हाँ ठीक है, उसको देवता मान करके चलिए आप। मैंने इसी के ऊपर प्रश्न था, अगर इसको ज्वर मानेंगे तो मतलब वास्तु मतलब बथुए से ज्वर ठीक होता है क्या, ये पूछना था। मैं वही तो संगति थोड़ा देख रहा था प्रतीक के रूप में, कि भाई ऐसा हो सकता है औषधीय गुण हो और उसका ये एक चिकित्सा के रूप में लिखा गया हो। जी जी, और एक इसी में प्रश्न है जी, एतया निषाद स्थपति, तो यहाँ पर इस वचन के ऊपर निषाद स्थपति, तो यहाँ पर षष्ठी समास भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है, तो इन्होंने यहाँ पर अगर षष्ठी समास करेंगे तो वो लक्षणा से आएगा और कर्मधारय साक्षात कह रहा है इसलिए कर्मधारय को माना, तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा विकल्प मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर निषाद स्थपति में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, निषाद है स्थपति मतलब स्वामी जिनका, वो भी हो सकता है, तो वो तो और अधिक लक्षणा में चला जाएगा, और परोक्ष चला जाएगा वो तो जी। हाँ। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी संभावनाएं हो, द्वंद्व भी हो रहा हो, कर्मधारय बहुव्रीहि, द्वंद्व में तो दोनों प्रधान होते हैं ना। हाँ, दोनों प्रधान, द्वंद्व में प्रधान हो गए, कर्मधारय में भी दोनों सामान अधिकरण ने हमारे को मिल रहा है और उसमें इतरेतर योग है, तो वहां तो वो सीधे सीधे आ रहा है, लेकिन अगर वो अर्थ नहीं घट रहा है तो फिर हम षष्ठी समास या तो तत्पुरुष समास में जाएंगे और या तो बहुव्रीहि में जाएंगे, अन्य पद प्रधान में चले जाएंगे, वो तब जाएंगे जब ये अर्थ नहीं घट रहा हो तो, अगर दोनों बन रहे हैं। और यदि हमारे वाक्य समस्त पद से ही पता लग रहा है कि नहीं ये तो रचना से ही पता लग रहा है कि ये तो बहुव्रीहि है, या तो हमारे को स्वरों से पता लग रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूर्वजों ने जो रचना बना रखी उसी से पता लग रहा है। लेकिन अगर संदेह हो रहा है तो इनका कहना है कि प्रथम हमें साक्षात अर्थ आने वाला यानी श्रुत्य अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिए, असंभव होने पे हम लक्षणा में जाते हैं, परोक्ष अर्थ को लेते हैं। तो जो समास होते हैं उसमें द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, ये तो साक्षात श्रुति से अर्थ को कहते हैं। हाँ। और दूसरों को मतलब लक्षणा से कहेंगे ऐसा माना जाएगा। हाँ, उतना उतने अंश में। अब मान लीजिए यहाँ पर निषादस्थपति है, तो स्थपति को कह ही रहा है, राजपुरुषों में पुरुष शब्द तो पुरुष को ही कह रहा है, वो तो लक्षणा में नहीं जा रहा है। हाँ, राज शब्द संबंध के कारण राज विशिष्ट पुरुष को कह रहा है, नहीं वो राजा को नहीं कह रहा है सीधे सीधे, राजा को कहता हुआ भी राजा को नहीं कह रहा है, शब्द तो राजा को संकेतित कर रहा है लेकिन उससे संबंधित पे जा रहा है, वो स्वयं अपने आप को न कहकर उससे संबंधित किसी पे जा रहा है। तो इसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष आदि जो तत्पुरुष हैं इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, तो उत्तर पद तो है यहाँ पर, और बहुरी में तो हम अन्य पद की प्रधानता चले जाते हैं, इसमें और भी परोक्ष चले जाते हैं। हाँ जी आचार्य जी, जैसे व्याकरण में आता है जहत स्वार्थावृत्ति और एक अजहत स्वार्थावृत्ति। हाँ। जो वृत्ति होती है वो वृत्ति में जिन पदों का समास होता है अथवा अन्य कोई तद्धित वृत्ति होती है, तो उसमें दो पक्ष हैं कि मतलब जो पद हैं वो अपने अर्थ को छोड़ करके एक नवीन अर्थ को धारण करते हैं, तो जिस पक्ष में जहत स्वार्थ वृत्ति माना जाता है तो उसमें तो ये भी लक्षणा ही कहलाएगा इसमें। जी हाँ, माना जाएगा, ऐसे ही माना। कर्मधारय जहत स्वार्थ में, क्योंकि अपने अर्थ को छोड़ रहा है वो, ये श्रुति है मतलब, तो अपने स्वार्थ को कह रहा है, ये भी तो यही शब्द प्रयोग करते हैं ना कि स्व अर्थ को कह रहा है ये, और ये अपने स्व अर्थ को नहीं कह रहा है। लेकिन वो तो प्रत्येक समास के विषय में कहा जाता है उसको। ठीक है, अगर ऐसा कहीं है तो, लेकिन कुछ जगह तो आप जहत स्वार्था नहीं लगा सकते, कहीं अजहत स्वार्था नहीं लगा सकते। अब इसकी दृष्टि से देखना पड़ेगा ना, हमारे पास दो पद हैं, तो दो पद में से एक पद अपना अर्थ छोड़ रहा है या दूसरा भी छोड़ रहा है, दोनों छोड़ रहे हैं या दोनों अपने अर्थों को कह रहे हैं, इनकी दृष्टि तो यही है, ये प्रधानता अप्रधानता देख करके हम, अगर कहीं संदेह हो तो इस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि हम किसको प्रमुखता मान करके चले यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है 1669 में, 69 जी आचार्य जी, इसमें भाष्य की पहली पंक्ति में कहा गया है कि वसंतादि संयुक्तम तत् कथमिव वर्षा भी संबद्धियत, तो इसमें वचन आया था कि वर्षासु रथकार आदधित, मतलब वर्षा ऋतु में रथकार आधान करे, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो रथकार है वो उन, ये उत्तर पक्षी का सूत्र है,
तो जो रथकार है, पूर्व पक्ष ऐसा कह रहा था कि जो रथकार है वो उन त्रैवर्णिकों में से ही है, लेकिन जो अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया है, मतलब शिल्पोपजीवी हो गया है, तो वो उन त्रैवर्णिकों में रथकार कहलाएगा, तो उसी को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो सिद्धांती इसको खंडन करते हुए कह रहा है कि जो त्रैवर्णिक हैं उनके लिए तो अलग अलग ऋतुओं का वर्णन कर दिया है, बसंत, ग्रीष्म, शरद, तो अब रथकार के लिए जब अलग से कथन किया जा रहा है तो उन वो त्रैवर्णिक उस रथकार वाले ऋतु से नहीं जुड़ेंगे, वर्षा ऋतु से। लेकिन अगर ये अपवाद कथन मान के जैसा हम व्याकरण में देखते हैं जी, तो उसके लिए अलग विधान माना जाएगा, उसका अंतर्भाव, यानी अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग लगता है तो रथकार को छोड़ करके वो कहेगा, वो सिर्फ लग सकती है, ये एक हल्का सा तर्क है बस इनका, वो दृढ़ता से नहीं है, बीच चर्चा के बीच में बस कहा गया है, ये मुख्य आधार नहीं है इनका अपने को सिद्ध करने का। मतलब अपवाद के रूप में अगर देखें तो लग भी सकता था, ये कहना चाहिए है? इन्होंने निषेध किया कि वो क्योंकि प्रापक वाक्यों में तो अलग अलग ऋतु जुड़ गई हैं, बसंत ऋतु ब्राह्मण के साथ जुड़ गया है, हाँ। तो इसीलिए अब रथकार के साथ में वर्षा ऋतु कही जा रही है तो वो ब्राह्मण रथकार नहीं हो सकता है, ये तो सिद्धांति कह रहा है। हाँ, सिद्धांति कह रहा है, ये इससे ये सिद्ध होता है कि ये त्रैवर्णिक नहीं, नहीं है, तो लेकिन इसके विपरीत भी तो बात हो सकती है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये त्रैवर्णिक होते हुए भी ये वचन हो सकता है, ये उसका अपवाद माना जाएगा, ये कहकर के हम कह सकते हैं बात को, लेकिन ये एक ऐसा दृढ़ प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको आप वितर्क उठा सकते हैं इसके ऊपर। पूर्व पृष्ठ है, हाँ, सप्तषष्ठी 1667, हाँ, सूत्र संख्या 47, हाँ, अत्र अनर्थक्यम च संयोगत, ऐसा एव प्रश्न यथा ऐसा प्रश्न, एक ही बात है वो, अनर्थिकम ब्राह्मणादेशु वसंतादेव नियता तान प्रति वर्षा उच्यमाना अपि असंबद्धात अनर्थक्यम प्राप्नुयुः तस्मात् अत्र इवणको, वो बिल्कुल वही तो बात है ये, हाँ। हाँ। उसका उत्तर यही है कि ये दृढ़ नहीं है, हेतु दृढ़ नहीं है, इसको अपवाद रूप में भी कोई कह सकता था, अपवाद रूप में कह सकता था कि अपवाद है उसका, लेकिन इसको अगर यूं कहना चाहें कि भई ये अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुष्टि के लिए दूसरे भी तो हेतु दिए हैं ना, दूसरे प्रमाण भी दिए हैं, उससे इस बात तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन यूं कह सकते हैं कि भई ये तीनों के नाम अलग अलग कहे गए हैं तो रथकार का अलग से कहा गया है तो ये अलग ही मानना चाहिए, इसको अलग से क्यों कहना पड़ा, तो प्रश्न आएगा भी इसको अलग से क्यों कहना पड़ा, रथकार को अलग से क्यों कहना पड़ा, बाकी का तो निषेध था, इसको अलग से क्यों कहना पड़ा, तो यही आएगा ना कि उनसे कम है और उनसे अधिक है, इसलिए इनको अलग कहना पड़ा इनको। और आचार्य जी इसमें पृष्ठ संख्या इसी में ही 1670 में, 70 जी, जी यहाँ पर सौधनवा के बारे में आया है कि सौधनवा नाम की एक जाति है और वो त्रैवर्णिक से हीन है, तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सूत्रकार ने भी और भाष्यकार ने भी वेद मंत्र का प्रमाण दिया है, और युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसमें लिखा है कि अगर वेद में सौधनवा का वर्णन मानेंगे तो अनित्य इतिहास मानना पड़ेगा वेद में, इस तरह सीधे वेद से नहीं सिद्ध होगा, युधिष्ठिर जी ने लिखा है नहीं तो इसमें इसको अनित्य मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इसको यूं मान के चलिए कि जो भारत के कर्मकांड थे उसमें ऋभुनाम त्वा ये रथकार का मंत्र पढ़ा गया है, ऋभुनाम त्वा संकेत क्या मिला कि भाई रथकार के संबंध में ऋभु शब्द का प्रयोग किया गया है, और उधर ये वेद में सौधनवना ऋभव सूर्य चक्षस ये साथ साथ में पढ़े गए हैं, तो लगता है कि भाई यही शब्द रिभु वहां आया था और यहां भी है, तो सौधनवा जो है वो उसके साथ में रथकार है, उसके साथ में जोड़ दिया इन्होंने, इसको ऐसे मत देखिए कि अनित्य इतिहास है सीधा सीधा, अनित्य रूप में भी तो नित्य अनित्य नहीं है, नित्य रूप में भी तो हो सकता है ना कुछ चीजों का, कि भाई ठीक है जो ऐसा होता है उसका ये नाम रखा जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वास्तव में इस ये हुआ और इसका ऐसा हुआ और उसके कारण से वेद में ये नाम आया, सामान्य रूप से नाम आया ऐसा 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 नाम सामान्य रूप से आया है, या वेद में वो नाम आए वेद से ही तो ये सारे नाम इधर आए हैं, तो उस दृष्टि से इसको वेद में होते हुए भी हम कह सकते हैं कि नित्य इतिहास तो होता ही है वेद में, हाँ। इसी रूप में कहना चाह रहा था कि मतलब उसको नित्य मानते हुए भी सौधनवा नाम की जाति का भी वेद में वर्णन है, नित्य जाति का उस तरह से बिल्कुल करते ही है, नित्य इतिहास मानते हैं। लोकेश जी 1682 पृष्ठ पर 82 जी ऊपर से तीसरी पंक्ति
यदा एकैकः स्वातन्त्र्येण प्रवर्तते तदा अन्यान् संख्यान् निर्वर्तयितुं, तो ये पंक्ति है अन्यों की संख्या पूर्ति के लिए ये समाधि का क्यों? देखिए, जब एक एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त हो रहा है, ये उस बात है सत्र की बात है जिसमें अनेक प्रवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। तो एक दृष्टि से यहां पर कथन किया जा रहा है कि ये हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से प्रवृत्त हो रहा है, मिलकर के नहीं, मेरे को भी ये करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, सबको करना है। जैसे कि यात्रा करनी है किसी को, फला जगह जाना है, यात्रा करनी है, मेरे को भी करनी है, औरों को भी अपनी अपनी करनी है। अब कैसे करें, अकेले जा नहीं सकते, यात्रा सबको अलग अलग करनी थी, तो फिर मिलजुल करके बातचीत करके, चलो आप भी साथ में चलो, सहमति करके, और फिर अनेक जने मिल करके उस यात्रा को कर लेते हैं, एक वाहन कर लेते हैं, एक नाव कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कि यदा एकैकः स्वातन्त्र्येण प्रवर्तते, प्रवृत्ति तो सबकी स्वतंत्र है, सब अपना अपना धन दे रहे हैं और सब अपना अपना काम देखना करना अलग अलग करेंगे, तथा अन्यान संख्या निर्वर्त्यर्थम, अन्यों को संख्या की निर्वृत्ति के लिए, कि भाई इतने लोग तो चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, तो उस संख्या को पूरा करने के लिए अन्यों को समाधि भी से वो वहां पर लगा लेता है, मतलब समझा के बुझा के। अब जैसे यहाँ विश्वविद्यालय में वेद के विभाग के अंदर था, अभी कम से कम 5 जने हो या 10 जने हो तो वेद विभाग चलेगा, नहीं तो हम बंद कर देंगे। अब 1-2 को पढ़ना था, अब कैसे करें, तो इधर बात की उधर बात की करके 10 विद्यार्थी पूरे कर दिए या 5 पूरे कर दिए, तो वो पढ़ने का हो गया। अब स्वतंत्र है लेकिन शाम से समझा करके, किसी को पैसे दे के, किसी को भी चलो किताबें हम दे देंगे आपको, आप चिंता मत करो, आप पढ़ो, करो, आवेदन भरो, ऐसे जो इन समाधि विभाग उपायों से उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया, संख्या की पूर्ति जितनी आवश्यक थी उतनी पूरी कर ली, ये बात कहें, हो गया। तो इस प्रकार से एवं एक पुरुषार्थम साधयति, वो एक ही व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहा है, और इतरा वो दूसरा भी और तीसरा भी, लेकिन दूसरे के सहयोग से कर रहे हैं। तेन सर्वे कर्तारः सव्यपेक्षा भविष्यन्ति, ये सब कर्ता स्वतंत्र कर्ता हुए भी सव्यपेक्षा होते हैं, दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं, महावश्यकार ने भी यही कहा है। आगे 1685 पृष्ठ पर दूसरे प्रश्न, नीचे से चौथी पंक्ति के अंत में, अथ पुनरंगभूतम प्रकाशयन लक्षणत्वेन पुरुषशब्द संबध्यता, ये क्या कहना चाह रहे कुछ? देखिए, अथ पुनः अंगभूतम प्रकाशयन, अंगभूत को प्रकाशित करता हुआ पुरुष शब्द, पुरुष शब्द जो है वो अंगभूत पुरुष शब्द, पुरुष जो है उसको प्रकाशित करता है, वो लक्षणत्व के रूप में वहां पर संबद्ध होगा, लक्षण के रूप में संबद्ध होगा। लक्षण मतलब जैसे कि स्वर्ग कामा है, वो उसके साथ में संबंध होता है। पुरुष शब्द का मतलब है कर्ता, और वो लक्षण के रूप में प्रकाशित हो रहा है, मतलब तो वो अनुवाद हो रहा है वहां पर। न गुण वचनतया, गुण को कहने के लिए वचन वहां पर उसके लिए नहीं है, कि जब गुण की वचनता होती है मतलब गुण की विधि की जा रही है। जैसे कि स्वर्ग कामा वाला उदाहरण जो लेंगे, कि जिसकी स्वर्ग में कामना है उसको, तो उसका अनुवाद है मतलब तो उद्दिष्ट करके कहा जा रहा है, पहले से सिद्ध है वो प्राप्त है कि स्वर्ग की कामना करने वाला है। और यदि हम उसको गुण वचन कहते हैं यानी गुण विधि कर रहे हैं, तो पहले से प्राप्त नहीं था, हम अलग से वहां पर कह रहे हैं, तो ऐसा होने पर न गुण वचनतया तत्र च अविवक्षितम संख्या वचनम, तो जहां वो लक्षण के रूप में है यानी अनुवाद है तो संख्या अविवक्षित होगी, और यदि वो गुण वचन होता यानी गुण की विधि होती तो वहां पर संख्या विवक्षित माननी पड़ती। पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पुरुष का अंग भाव है या प्रधान भाव है इसको इन्होंने पीछे बताया। यदि आप उस वाक्य का ये अर्थ लेते हो कि याग को पूरा करना है तो पुरुष गुण हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और फल को निष्पन्न करना है तो भी पुरुष अंग हो जाएगा, और यदि कहेंगे पुरुष को फल प्राप्त करना है यानी पुरुष के लिए ये फल है, पुरुष के लिए ये याग है, तो पुरुष प्रधान हो गया। पूर्व पक्षी इसको अंग मान करके कह रहा है। ये पुरुष अंग मान रहा है ना, ये इस पूर्व पक्षी अंग मान रहा है ना, इसको क्या कर रहा है? याग सेवा फल निर्वृत्तेर्वा न अंगम पुरुषः,
है, ये प्रधान मान रहा है। हाँ ये प्रधान मान रहा है, वो सिद्धांत ही कह रहा था, ये तो प्रधान मान रहा है कि इसलिए ये, क्योंकि पुरुष के लिए ही है, आत्मा के लिए ही है, इसलिए ये प्रधान होगा। और अंग रूप होता तो वहां पर संख्या विवक्षित होती, ये प्रधान भूत है लक्षण के रूप में, इसमें यहां पर संख्या विवक्षित नहीं होगी, इसलिए एक साथ अनेक भी कर सकते हैं, ये इनका लगाने का प्रयोजन है। ठीक है, हो गए। प्रति समाधेय अंग वैकल्य कथम भवति, जिसकी चिकित्सा की जा सके, चाहे औषधि से या तो शल्य क्रिया से। अंग वैकल्य तो न हो, अंग वैकल्य किसी भी तरह से हो सकता है ना, अंग वैकल्य रोग के कारण से हो सकता है। विकलता का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से हो गया। अब मान लो किसी को अभी पक्षाघात हो गया, अब हाथ काम नहीं कर रहा है उसका, पैर काम नहीं कर रहा है, मुंह आदि काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अंग की विकलता कहलाएगी, और औषधि से वो ठीक भी हो सकता है, वो फिर से काम करने लग जाता है। तो ये तो हटने वाली हो गई। और कुछ चीजें हैं, जैसे आजकल पोलियो हो जाता है, बचपन में ही हो गया, अब वो पैर विकसित ही नहीं हुए, इतने दुर्बल हो गए, अब वो सामान्य नहीं हो पाते, आप कितना भी कर लो वो नहीं कर पाता। ऐसी कोई चीज हो जाए जो जो ठीक नहीं हो सकती है, केवल दुर्बलता नहीं, वो अंगी न अंगी ऐसा हो गया, वो दुर्बलता कह लो आप उसकी, कुछ तो अंग रहेगा, या तो वो अंग है नहीं और या तो दुर्बल है, नेत्र है ही नहीं तो क्या करेंगे, या तो बहुत दुर्बल है। विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः।